औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दिस इज़ अमीर हुसैन, लेक्चरर मैथमेटिक्स। बेटा उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो बेटा आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास पार्ट फर्स्ट का बेसिकल एक्सरसाइज है 1.2। उससे पहले एक डेफिनेशन है कम्प्लेक्स नंबर की, वो थोड़ी सी क्लियर कर लें, उसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं 1.2। मेरे बेटा कम्प्लेक्स नंबर, इसको डिनोट करते हैं जेड से। नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी आयोटा, जो भी नंबर, ये आयोटा है, जो भी नंबर इस फॉर्म का होगा उसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है मेरे बेटा, ये जो ए और बी है, ए और बी, ये खुद रियल नंबर होंगे। अब ये जो सिर्फ ये ए है, इसको कहते हैं रियल पार्ट ऑफ, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो बी है, आयोटा नहीं सिर्फ बी, इसे कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, फर्ज करें अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे है 2 - 3 आयोटा, जो भी नंबर इस फॉर्म का होगा उसमें रियल पार्ट भी हो और उसमें इमेजिनरी पार्ट भी हो, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरे बेटा इसमें जो रियल पार्ट है वो हमारे पास 2 है, एंड इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास -3 है। तो ये जो पार्ट है आयोटा के साथ -3, तो ये मेरा बेटा हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर। आयोटा यहाँ क्या है, आयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट। और अगर हम आयोटा का, दिस इम्प्लाइज अगर हम आयोटा का स्क्वायर लें, इस साइड पर भी स्क्वायर, इस साइड पर स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1। ओके, अब मेरा बेटा हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.2 और इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट है आयोटा पावर 9। मेरा बेटा आयोटा पावर 9 को हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इसको आयोटा पावर है 9, मैं कोशिश करूंगा इसको आयोटा स्क्वायर में लिखूं, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता होती है। जी आयोटा स्क्वायर होल पावर, मैं होल पावर क्या करूं कि या 9 बने या इससे थोड़ा सा कम रह जाए। जी अगर मैं बेटा 4 करता हूं, ये हो जाएगा 4 × 2 = 8, तो एक आयोटा हमारा रह गया। ओके, वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 की पावर 4 इंटू आयोटा, -1 की पावर कुछ इवन नंबर है तो आंसर होगा पॉजिटिव, सिर्फ इसका आंसर आएगा आयोटा। मेरा बेटा ये इसका आंसर है। इसके साथ रिलेटेड है एक हमारा पार्ट, पार्ट नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन आता रहता है एनुअल में। सिंप्लीफाई -1 - 21/2, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। मेरा बेटा वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 की जगह आयोटा स्क्वायर और होल की पावर -21/2।
टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा आयोटा की पावर माइनस 21। अब मेरा बेटा आयोटा की पावर है माइनस 21, मैं चाहता हूँ ये पॉजिटिव हो जाए तो 1/21। अब मेरा बेटा इसको डिनोमिनेटर में सॉल्व करते हैं, ठीक है, 1/iota². मैं 21 को लिख रहा हूँ आयोटा स्क्वेयर, ऐसा नंबर ढूंढें या पावर 21 हो जाए या उससे थोड़ी सी कम रह जाए, तो मेरे पास आया 10, 10 टू ज 20, तो यहाँ लिखा हुआ है 21, एक आयोटा रह गया, वो मेरा बेटा हम यहाँ लिख लेते हैं। अगेन वी नो दैट आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 1, हम जानते हैं आयोटा स्क्वेयर तो माइनस 1 के इक्वल है, 1/-1 की पावर 10 डॉट आयोटा। माइनस 1 की पावर इवन नंबर है तो वो पॉजिटिव हो गया, तो इसका आंसर आ गया यहाँ तक 1/iota। अब मेरा बेटा कंप्लेक्स नंबर है, नीचे नहीं होना चाहिए, हम रैशनलाइज करते हैं कॉन्जुगेट के साथ, कॉन्जुगेट के साथ तो इसके ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई ये माइनस आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर। अगेन वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस आयोटा माइनस और ये माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस आयोटा, ये इसका आंसर। आपको बेटा कॉन्जुगेट भी यहाँ बताता जाऊँ, कॉन्जुगेट ऑफ अ कंप्लेक्स नंबर, किसी भी कंप्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फर्ज करे, ये एक हमारे पास कंप्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट मेरा बेटा हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है, सिर्फ आयोटे वाले का साइन चेंज कर देता है, आयोटे वाले का साइन आयोटे वाला जो पार्ट है उसका साइन चेंज कर दें, ठीक है, कंप्लेक्स पार्ट जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दें, वो बन जाता है हमारे पास कॉन्जुगेट, ठीक है जी। ओके नेक्स्ट मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इसका कोई पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव इसका हम देखते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है मेरा बेटा -16/25, इसको हमने सॉल्व करना है, इसको लिखना है राइट इन टर्म ऑफ आयोटा, जी बेटा इसको आयोटा की फॉर्म में लिखना है, इसमें आयोटा होना चाहिए। ओके मेरा बेटा ये जो स्क्वायर रूट है माइनस का भी है, 16 का भी है, 25 का भी है, 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4, 25 का हो गया 5 और ये है -1 स्क्वायर रूट, फिलहाल वैसे का वैसे 16 का 4 हो गया, 25 का 5 हो गया और माइनस का स्क्वायर रूट अभी वैसे। वी नो दैट आयोटा के हवाले से ये हमने देखा था -1/√ इज इक्वल टू आयोटा, तो मेरे बेटा नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर सकते हैं, वी नो दैट आयोटा इज इक्वल टू -1√, तो ये मेरा बेटा 4/5 इस सारे की जगह आयोटा आ जाएगा, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, इसका एक पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर 8 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर एट है सिंपलीफाई द फॉलोइंग, 2, 6